और सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर चुनाव के बीच में नक्सलियों ने किया है ब्लास्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ के सुकमा से बता दें, जहां पर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। चुनाव के बीच में नक्सलियों ने ब्लास्ट किया है, नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है और इस ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दें सुकमा से, बता दें कि मतदान दल के सुरक्षा में तैनात थे जवान, इसी बीच में आईईडी नक्सलियों ने ब्लास्ट कर दिया है और टोंडा मरका इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बता दें कि इसी बीच में सुकमा के एसपी किरण चव्हाण ने इस पूरे ब्लास्ट की पुष्टि की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें सुकमा से, जहां पर चुनाव के बीच में नक्सलियों ने ब्लास्ट किया है और बता दें कि नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है चुनाव के बीच में। ये बड़ा मामला जहां पर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है, ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया है और बता दें कि मतदान दल के सुरक्षा में तैनात थे जवान, इसी बीच नक्सलियों ने ब्लास्ट कर दिया और टोंडा मरका इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर नक्सलियों ने ब्लास्ट किया है और सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है, जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें सुकमा से, जहां पर चुनाव के बीच में नक्सलियों ने किया है ब्लास्ट।